वेलकम टू किचन बोर्ड। आज हम बनाने जा रहे हैं ये एनर्जी बार जो प्रोटीन से भरपूर है। इसमें कार्ब्स है, प्रोटीन है, इसमें बहुत कुछ है जो हम नट्स एंड ओट्स के साथ बनाएंगे। इसमें हम चीनी नहीं डालेंगे, बिना ओवन के हम इसको फ्रिज में ही रख के बनाएंगे। तो चलिए मेरे साथ किचन में हम बनाते हैं एनर्जी बार। ये अब हमने ये ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। ये हमने एक ये स्पून लिया है मैंने, तो ये मैंने टू स्पून मैंने इसको, ये जो टेबल स्पून है ये मैंने टू स्पून मैंने तिल लिए हैं जो सिसमे सीड होते हैं। ये मैंने टू टेबल स्पून ही मैंने ये लिया है फ्लैक्स सीड्स जिसको हम अलसी भी बोलते हैं। हाफ कटोरी मैंने लिया है पीनट्स मूंगफली। टू टेबल स्पून मैंने ये लिया है वाटरमेलन सीड्स जिसको हम तरबूज के बीज भी बोलते हैं। ये टू टेबल स्पून अंजीर, इसके मैंने पीसीस कर लिए हैं छोटे छोटे। एंड टू टेबल स्पून डेट्स, ये भी लिए, इसके भी मैंने पीसीस कर लिए हैं। ये मैंने टू टेबल स्पून मैंने लिया है ये अखरोट वॉलनट्स। एंड मैंने लिया है हाफ कटोरी मैंने लिया है बादाम आलमंड्स। हाफ कटोरी मैंने लिया है ये जैगरी तो जिसको हम गुड़ भी बोलते हैं। वन बाउल मैंने लिया है जो मेजरमेंट का बाउल होता है। ये मैंने ओट्स लिए हैं जो हम सिंपल ओट्स हैं, ये जो मार्केट में मिल जाते हैं आपको, ये वोवले ओट्स हैं। वन टीस्पून मैंने सौंफ ली है। एंड ये मैंने टू टेबलस्पून मैंने कोकोनट ग्रेटेड कोकोनट लिया है। थोड़ा सा हम नमक लेंगे और साथ में हम देसी घी लेंगे। इस सबको हम रोस्ट कर लेते हैं। चलिए आइए रोस्ट करते हैं। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, इसकी फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे। एंड पहले हम ओट्स को रोस्ट करेंगे। ये 5 मिनट लगेंगे हमें इसको रोस्ट करने में। ये ओट्स में रिच फाइबर होता है, ये वेट लूज के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये ओट्स। ये 5 मिनट हो गए हैं, ये रोस्ट हो गए हैं। ये आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपने नहीं डालने ओट्स तो मत डालिएगा। बट ये बच्चे खाते नहीं है तो आप इसमें डालेंगे तो बच्चे खा लेते हैं। तो अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हम इसमें नट्स डाल देंगे जो हमने रोस्ट करने हैं। ये मैंने बादाम डाला, ये तिल, साथ में अलसी और ये पीनट्स। एक साथ ही हम इसको कर लेंगे। वॉलनट को हम नहीं करेंगे, ना अंजीर को करेंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट स्लो गैस पे ही हम इसको रोस्ट करेंगे। नट्स को ड्राई रोस्ट जरूर करें। नट्स को रोस्ट करते हुए उसमें से जो ऑयल रिलीज होता है, तहे वो जब आप इसको खाते हैं तो उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है जब ये रोस्ट किया होता है। इसका अरोमा बहुत अच्छा होता है ये। अब हम इसको 2 से 3 मिनट हम इसको चलाएंगे स्लो गैस पे। ये देखिए रोस्ट हो चुके हैं। हमने इसमें अलसी भी डाली है, फ्लैक्स सीड्स, उसमें हमारे ओमेगा 3 होता है जो फिश में होता है जिसके हम कैप्सूल्स खाते हैं। तो ये हमने इतना हेल्दी बना दिया है ये हमने, तो अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये अब हमने दोबारा कढ़ाई रख दी है। ये हमने 1 चम्मच हमने इसमें देसी घी डाला, साथ में ही हम इसमें ये गुड़ डाल देंगे। इसको हमने पकाना नहीं है, इसको सिर्फ हमने मेल्ट करना है गुड़ को। इसको मेल्ट कर देंगे तो तभी ये उसका बार बन पाएगा, ये हमारा थिकनेस का काम करेगा, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा। ये सारा जो नट्स वगैरह हैं, जो ओट्स हैं, वो मिक्स नहीं हो पाएंगे। अब हमने इसको सिर्फ हमने इसको मेल्ट करना है। हमने इसमें चीनी नहीं डाली, हमने इसको हेल्दी बनाना है तो हमने गुड़ डाला है। आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं, बस इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। देसी घी हमने इसलिए डाला है कि ये बीच में नीचे जो ये गुड़ है वो लगेगा नहीं आपका कढ़ाई के साथ। स्लो गैस पे ही हमने इसको मेल्ट करना है।
ये देखें ये हो रहा है। अब इसके बीच में ही हम डेट्स डाल देंगे। डेट्स भी बड़ी न्यूट्रिशियस होती हैं और इसके अंदर जो स्वीटनेस भी बहुत होती है, ये इससे हमें ये थिकनेस भी देगा ये साथ में। बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इस बाउल में ये सारे मिक्स कर देंगे। अब हम इस कढ़ाई में ही ये सब कुछ मिक्स कर लेते हैं। गरम है कढ़ाई अभी हमारी, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम इसमें ओट्स डाल देंगे, ये हमने सारा इसमें डाल देना है। इसको ठंडा नहीं होने देंगे हम। साथ में ही सौंफ एंड नारियल, तो थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून हम नमक डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सारा गुड़ इसमें मिक्स हो जाएगा। एक हमने बाउल ले लिया है, इसमें हमने बटर पेपर लगा दिया है। अब हम इसमें मोल्ड करेंगे। ये गरम गरम है तो आपको ये गरम में ही करना है, नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो ये बन नहीं पाएगा। अब हमें इसको स्प्रेड करना है ऐसे। एक स्पून से आप ऐसे ऐसे इसको प्रेस करते जाएं। ये देखें ये प्रेस हो गया ही, ये अच्छी तरह से इसका आ गया है। ये हमने स्प्रेड कर दिया है, इसको कर दिया सारा दबा। अब हम ये जो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है हम ऊपर डाल देंगे। ये थोड़े से अंजीर भी रखे थे हमने, डेट्स अंजीर, थोड़ा सा इसकी लुक अच्छी लगेगी। ये देखिए हमने कर दिया है। हम इसको नाइफ से थोड़ा सा ऐसे टच कर देंगे कि हमें पीसेस करने में दिक्कत नहीं होगी उस टाइम। अब हम इसको सेट होने के लिए 1 आवर के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। जब ये सेट हो जाएगा फिर हम इसके पीसेस करेंगे। ये देखिए हमने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है, ये सेट हो गई है हमारी। अब हमने इसको कट पहले ही मार दिया था, अब हम इसके थोड़े से पीसेस देख लेते हैं। ये देखिए हुए पड़े हैं, अब हम इसके पीसेस निकाल लेंगे। ये देखिए
देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पीसेस कर लिए हैं। ये हमारी एनर्जी बार रेडी हो चुकी है। आप इसके छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। ये इतनी हेल्दी है, जैसे आपके बच्चे नट्स नहीं खाते हैं तो आप ऐसे इसका बार बनाइए एंड बच्चों को खिलाइए। ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्दी हैं। ये आपको हम मार्केट से भी लेकर आते हैं, पर मार्केट की इतनी हेल्दी नहीं होती है। जब आप घर पे बनाते हैं तो वो इतनी हेल्दी हो जाती है। तो आप इसको बनाइए और खाइए। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर तो ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।